स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत की पहली ट्रेन की अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। एक जमाना था जब इंसान पैदल सफर किया करता था। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, इंसान ने सफर को आसान बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में घोड़ा और बैलगाड़ी पर सफर किया जाता था। इस क्षेत्र में इंसान ने असली तरक्की तब की जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार किया। इंजन बनने के बाद मोटर गाड़ियां, ट्रेन व अन्य यातायात साधनों का जन्म हुआ। आज दुनिया में तेजी से सफर करने के लिए हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन्स जैसे यातायात के साधन मौजूद हैं। इन साधनों की मदद से हम हजारों किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। आज हम जो भी यातायात के साधन देखते हैं, उनको बनाने के पीछे सैकड़ों सालों की मेहनत छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम भारत के रेल इतिहास के बारे में जानेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है। दुनिया के नजरिए से अगर देखा जाए तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हमारे भारत का ट्रेन नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारतीय रेल नेटवर्क 1,23,542 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क कहलाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर हर रोज लगभग 24 करोड़ लोग ट्रेन का सफर करते हैं। भारतीय रेलवे भारत का सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय रेलवे नौकरियां देने के मामले में 8वें स्थान पर है। मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में भारतीय रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 13 लाख थी। भारतीय रेल का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। जिस समय भारत में रेल की शुरुआत हुई, उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय के भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेल को लाने की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी साल 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर रहे। इन्हीं सालों में भारत के अंदर रेल आने की शुरुआत हुई थी। साल 1832 में मद्रास के अंदर पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद साल 1837 में भारत के अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी। भारत की पहली ट्रेन रेड हिल्स, लाल पहाड़ी से चेन्नई के चिंतात्री पेट तक चलाई गई थी। इस ट्रेन में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था, जिसको विलियम एवरी ने बनाया था। इस प्रथम रेल का निर्माण सर आर्थर कॉटन ने किया था। इस ट्रेन का उपयोग मद्रास में बन रहे रोड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। इसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया। साल 1845 में सर आर्थर कॉटन ने ही गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण किया था। इस ट्रेन का इस्तेमाल गोदावरी नदी पर बांध बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। 8 मई सन 1845 को मद्रास रेलवे का गठन हुआ था। उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे का भी गठन हुआ। कुछ साल इसी तरह भारत का रेलवे सिस्टम काम करता रहा। 1 अगस्त सन 1949 को संसद के एक अधिनियम के तहत ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR का गठन हुआ। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को निर्माण करने के लिए मुफ्त में जगह देने की गारंटी दी गई थी। इसके बदले में भारतीय रेलवे को अपने मुनाफे का 5% हिस्सा रेल बनाने वाली अंग्रेजी कंपनियों को देना था। 17 अगस्त 1849 को नियम लागू कर दिया गया। साल 1851 में रुड़की के अंदर सलोनी एक्वेडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया। इस रेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन का नाम एक ब्रिटिश अफसर थॉमसन के ऊपर रखा गया था। इस ट्रेन का उपयोग सलोनी नदी पर बन रहे जल मार्ग का निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया। साल 1850 में कोलकाता की रेल कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद कोलकाता की इस रेल कंपनी ने अपना काम खत्म कर दिया। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। इसी दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। भारतीय इतिहास की ये पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। इस ऐतिहासिक ट्रेन ने 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र के बोरी बंदर टर्मिनल से थाने तक का सफर तय किया था। ये सफर 34 किलोमीटर लंबा था। भारत की इस पहली पैसेंजर ट्रेन में 20 डिब्बे थे। इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 स्टीम इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इन तीनों इंजनों का नाम सुल्तान, सिंधु और साहिब रखा गया था। पहली बार चली इस ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने सफर किया था। शाम 4:45 पर इस ट्रेन का सफर समाप्त हुआ। यह सफर बेशक छोटा था,
लेकिन यहीं से भारतीय रेलवे की नींव रखी गई थी। महाराष्ट्र का बोरीबंदर टर्मिनल, जहां से ट्रेन चलाई गई थी, आज उसको हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा इस पैसेंजर ट्रेन के बिछाई गई पटरियों को और उनकी चौड़ाई 5 फुट 6 इंच रखी गई थी। उसके बाद से भारत में पटरियों की चौड़ाई का यही स्टैंडर्ड बन गया। अभी तक भारत में इसी चौड़ाई की पटरियां बिछाई जाती हैं। साल 1854 में बोरीबंदर से थाने तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। इसी दौरान भारत के अंदर पहले रेलवे ब्रिज थाने वायडक्ट का निर्माण भी किया गया। भारत इतिहास के इस पहले रेलवे ब्रिज का निर्माण थाने की एक छोटी नदी के ऊपर किया गया था। इस तरह भारत में रेल चलने की शुरुआत हो गई। उस समय अलग अलग कंपनियों द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी। ये ट्रेन कलकत्ता के हावड़ा से हुगली तक चलाई गई। हावड़ा से हुगली तक का ये सफर 39 किलोमीटर लंबा था। इस ट्रेन का निर्माण और संचालन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने किया था। साल 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने भारत की पहली टॉय ट्रेन फेरी क्वीन को चलाया था। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन लगाया गया था। ब्रिटेन की एक ट्रेन निर्माण कंपनी किट्सन ने इस ट्रेन को बनाया था। साल 1881 में इस ट्रेन को आधिकारिक तौर पर चलाया गया। इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में आज भी चलाया जाता है। ये ट्रेन 2 फुट चौड़े रेलवे ट्रैक पर चलती है। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत कम होती है। इस ट्रेन को देखने और इसमें सफर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर पहली पैसेंजर ट्रेन सन 1856 में चलाई गई थी। इस ट्रेन ने रॉयपुरम से अर्कॉट तक का सफर तय किया था। इस ट्रेन का निर्माण और संचालन मद्रास रेलवे ने किया। शुरुआत में इन ट्रेनों के अंदर ना तो टॉयलेट होते थे, ना ही अंधेरा दूर करने के लिए कोई बल्ब। लगभग 50 साल तक ये ट्रेनें बिना टॉयलेट और बल्ब के चलती रही। आप सोच सकते हैं कि बिना लाइट के रात में ट्रेन का सफर कितना भयानक होता होगा। अंधेरे में ट्रेन के अंदर आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। इन आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए ट्रेनों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए गए। साल 1897 में ट्रेन बनाने वाली कई कंपनियों ने ट्रेन के आधुनिक डिब्बे पेश किए, जिनमें इलेक्ट्रिकल बल्ब जलाने की सुविधा थी। यहीं से ट्रेनों के डिब्बों में बल्ब लगने की शुरुआत हुई। साल 1902 में जोधपुर रेलवे पहली कंपनी बनी जिसने ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइट्स को स्टैंडर्ड के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद से लगभग सभी ट्रेनों में इलेक्ट्रिकल लाइट लगाई जाने लगी। लंबे समय तक ट्रेनों में शौचालय की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। लोग बिना शौचालय का प्रयोग किए लंबा सफर तय किया करते थे। आप सोच सकते हैं कि उस समय लोगों को सफर में कितनी परेशानी होती होगी। आखिरकार साल 1891 में ट्रेन के अंदर शौचालय की सुविधा की गई, लेकिन ये सिर्फ प्रथम श्रेणी डिब्बों के लिए थी। प्रथम श्रेणी के अलावा बाकी के आम डिब्बों में ये सुविधा साल 1909 में शुरू की गई। ट्रेन के सभी डिब्बों में शौचालय की सुविधा दिए जाने का ये किस्सा बड़ा मजेदार है। ये बात पश्चिम बंगाल की है। अकल चंद्र सेन नाम का एक व्यक्ति को ट्रेन सफर के दौरान टॉयलेट जाने की जरूरत हुई। एक जगह ट्रेन रुकने पर ये शख्स झाड़ियों में लघु शंका करने के लिए चले गए। जब इन साहब ने वापस आकर देखा तो ट्रेन जा चुकी थी। अकल चंद्र इस बात से बेहद नाराज हो गए और उन्होंने रेलवे को एक लंबा चौड़ा शिकायत पत्र लिख डाला। अकल चंद्र की ये शिकायत काम कर गई और साल 1909 से ट्रेन के हर डिब्बे में शौचालय की सुविधा दी जाने लगी। साल 1925 में पहली बार ट्रेन बजट पेश किया गया। इसी साल ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया गया। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। ये पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक चलाई गई थी। इलेक्ट्रिकल ट्रेन के सफलतापूर्वक चल जाने के बाद पूरे भारत में तेजी से ट्रेनों का विद्युतीकरण और विस्तार किया जाने लगा। भारतीय रेलवे बहुत तेजी से फल फूल रहा था कि तभी उसको एक बड़ा झटका लगा। 14 अगस्त 1947 में रेलवे भारत और पाकिस्तान के बीच दो हिस्से में बट गए। देश आजाद होने के 4 साल बाद 1991 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। साल 1952 में सभी ट्रेनों के अंदर लाइट और सोने के लिए बर्थ बनाना अनिवार्य कर दिया गया। भारत की पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन साल 1956 में दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं होगी कि भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से प्रस्तुत की गई थी। कोलकाता के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन एस्प्लानेड और भवानीपुर के बीच 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई थी। साल 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस को पेश किया गया था। ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। ये अपने समय भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। आज भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। इस ट्रेन को इसी साल 2020 में पेश किया गया।
ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 1837 में चलने वाली पहली ट्रेन से लेकर 2020 की वंदे भारत ट्रेन तक आने का ये सफर बेहद लंबा और कठिनाइयों से भरा रहा। भारतीय रेलवे ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उस पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको भारत में चलने वाली पहली ट्रेन की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।